लोग आज बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पर। आपने पढ़ा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू कंपोनेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। ये आपने पढ़ा हुआ है। प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज ड्यू टू फ्लावर, ये फूलों की वजह से होता है। यू कैन सी द डायग्राम, देखो ये जो दो चीज देख रहे हो, दिस वन इज, ये स्टेमन है, इसके अंदर पॉलन होगा, एंड दिस वन इज द पिस्टल, ये चाइना रोज वाला है पिस्टल, ठीक है ना। दिस वन इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस वन इज द, ये जो है दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर और फिर आगे चीजों को समझेंगे, राइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर का। किसी भी फूल का अगर आप पार्ट देखोगे तो क्या सब जनरली दिखता है, वेरिएशन होता है थोड़ा, बट दीज आर द जनरल पार्ट। अब देखो फ्लावर है क्या, फ्लावर भी मॉडिफाइड सूट ही होता है। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट विथ अ लिमिटेड ग्रोथ, ऐसा सूट है जो मॉडिफाई हुआ है लेकिन इसका जो है ज्यादा इसका ग्रोथ नहीं होता, ठीक है, ये चीज होता है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट विथ अ लिमिटेड ग्रोथ, साइज शेप स्ट्रक्चर कलर वेरी करता है इसका। एक रंग का देखा है सब लोगों ने फूलों को, उसका रंग रूप आकार एक जैसा नहीं होता, राइट। ये जो कैलिक्स देख रहे हो दे आर द पार्ट्स, जैसे कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, जो छोटे क्लास में पढ़ाते हैं कि फ्लावर के जो मेन पार्ट्स हैं वो कैलिक्स हैं, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनेशियम है। ये जो चीजें हैं दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स, अगर इसको देखा जाए तो दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड ये लीव्स है, ठीक है, जो मॉडिफाई हो गया है। तो फ्लावर इज हैविंग फोर पार्ट्स। अब इस इमेज में, फोटो में देखो, इंक चेंज करके दिखाता हूं, ट्राई टू लोकेट द डिफरेंट पार्ट। अगर आपको मान लो कि एक फूल हाथ में लिया, एक फ्लावर आपने हाथ में लिया है और आपको पता कहा जाए कि बताओ इसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो कैसे लोकेट करोगे। देखिए फ्लावर में जो सबसे नीचे जो ग्रीन लीव्स होते हैं लगे हुए वो कैलिक्स है, दे आर कैलिक्स, ठीक है। जो कलर्ड लीव्स हैं दे आर कोरोला, ये सेकेंड हो गया, ये पहले देखो, तो बाहर से अंदर की ओर देखना है, दिस वन इज द आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर में है, उसके बाद कोरोला, देन दिस इज द एंड्रोएशियम, ये एंड्रोएशियम हो गया, राइट, दिस इज एंड्रोएशियम, और ये जो देख रहे हो दिस इज गाइनोएशियम, ये गाइनेशियम है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, एंड्रोएशियम हो गया, गाइनेशियम है, ये अलग अलग इसके हिस्से हैं, ठीक है। तो लोकेट कर पाओगे बहुत आसानी से, पहचान जाओगे कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम कहाँ है और गाइनेशियम कहाँ है। आप याद रखना दिस एंड्रोशियम इज द मेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ फ्लावर एंड गाइनेशियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ फ्लावर, राइट। अब आगे देखो, देखिए एंड्रोशियम क्या है, देखो फ्लावर में अगर रिप्रोडक्शन के पर्पज से देखा जाए, जस्ट ए मिनट, देखो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अब इसको दो अलग अलग कैटेगरी कर सकते हो, एक एक्सेसरी कह सकते हो, ठीक है, और दूसरा कह सकते हो एसेंशियल और नेसेसरी, ठीक है। अब एक्सेसरी वाले में आता है कैलिक्स और कोरोला, क्यों कहेंगे ऐसा, एक्चुअली देखिए रिप्रोडक्शन में ये लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे, दे एक्चुअली सपोर्ट रिप्रोडक्शन, वो मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में, सपोर्ट इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना।
दे आर एक्चुअली नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस बट दे आर सपोर्टिंग द प्रोसेस। एंड द एसेंशियल में देखोगे तो इसमें आ रहा है एंड्रोएशियम, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ फ्लावर, और ये हो गया दूसरा गाइनोएशियम है, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ फ्लावर। अब देखना है हमको रिप्रोडक्शन के पर्पज से, तो रिप्रोडक्शन के पर्पज से मेन ये दोनों हो जाएंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों जब तक है रिप्रोडक्शन होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा, राइट। अब आगे देखो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, पहले बात करेंगे एंड्रोशियम पे, फिर बात करेंगे गाइनोशियम का। एंड्रोशियम अभी अभी डिस्कस करा था, चूंकि इसमें रिप्रोडक्शन से लेना देना है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर कैलिक्स करोला, इसका मॉर्फोलॉजी वो सब इसमें करना नहीं है, सीधा फोकस करेंगे मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन पे, और बाकी इसके फंक्शन को भी हम लोग समझेंगे। अब मान लो थोड़ा कैलिक्स करोला थोड़ा देख ले हल्का, देखो थोड़ा जानकारी के लिए जानना चाहिए कैलिक्स क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट होल, ये सबसे बाहर में ये चक्र है, आउटर मोस्ट होल, ठीक है। होल का मतलब होता है चक्र, ठीक है, मतलब अगर इसको आप सर्किल में बनाए तो लाइक दिस, ऐसा ये सबसे बाहर में लगा हुआ, ठीक है। कैरेक्टर वाइज देखें तो जनरली ग्रीन, जनरली ग्रीन, और देखो यहां अगर आप देख रहे हो तो इसमें सेपल्स कहते हैं, ईच पार्ट ईच यूनिट इज कॉल्ड सेपल, ईच यूनिट और लीफ ऑफ कैलिक्स इज सेपल, उसको सेपल बोलेंगे, ठीक है। फंक्शन वाइज अगर देखा जाए, फंक्शन वाइज तो हम लोग कह सकते हैं, देखो अगर आप फ्लावर को बर्ड स्टेज में देखो तो ये वाला जो ग्रीन सेपल है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देगा फ्लावर को, प्रोटेक्शन टू द फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड, ठीक है, तो फ्लावर बर्ड को ये प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें, ओके, इसके अंदर जो भी चीजें, स्टैमन है, जो भी है, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी जो गाइनेशियम का पार्ट है, सबको ये प्रोटेक्शन देगा, तो ये हो गया। अगर बात करें हम लोग थोड़ा कोरोला पे बात कर लें, कोरोला, तो कोरोला फिर आपको मिलेगा सेकेंड होल है कैलिक्स के बाद, ठीक है ना। इसके एक एक मेंबर को पेटल बोलते हैं, ये जितना है ना सब, एक एक मेंबर, एक एक लीफ, ये सब पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, ये पेटल बोलेंगे, ठीक है। कलर्ड होगा, रंगीन होता है, इसके अंदर नेक्टर होगा, ठीक है, फ्रैग्रेंस होता है इसके अंदर, फ्रैग्रेंस, ठीक है। रीजन है, देखिए कलर्ड होने से, नेक्टर होने से या फ्रैग्रेंस होने से क्या होगा, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन हम बताएंगे क्या होता है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, राइट। अब बर्ड स्टेज में भी देखोगे फ्लावर को, फ्लावर अगर बर्ड स्टेज में है तो दिस कोरोला इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन किसको, टू एंड्रोएशियम एंड गाइनेशियम। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, बट यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स, पहले आपको एंड्रोशियम पढ़ाएंगे फिर गाइनेशियम पढ़ाएंगे, इसी पे बातें होंगी। सी ये तो अब बात करेंगे एंड्रोशियम का, देखो एंड्रोएशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनेशियम तो बता दिया फीमेल पार्ट,
अब देखिए एंड्रोशियम क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ अ स्टेम। देखो कैलिक्स में क्या होता है, कैलिक्स में सेपल होता है, कैलिक्स का सेपल का ग्रुप कैलिक्स, पेटल का ग्रुप है तो जैसे ये पेटल का ग्रुप है तो कोरोला, ठीक है ना। सिमिलरली स्टैमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम, वेयर इज स्टैमेन, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें एंथर दिखा रहा है, फिलामेंट दिखा रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज स्टैमेन, यही स्टैमेन है, ठीक है, दिस इज स्टैमेन, ये स्टैमेन है। अब स्टैमेन के अंदर क्या रहता है वो आपको समझाते हैं, व्हाट इज इनसाइड स्टैमेन, जरा इसको क्लियर करने दो। ओके, अगर स्टैमेन देखोगे, हम ऐसे सिंपल डायग्राम बना के दिखाएं, अलग से इमेज में तो दिख ही रहा है, यहाँ अलग से दिखाएं, तो स्टैमेन के अंदर यू विल फाइंड टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि यहां दिख रहा है, दिस वन थ्रेड लाइक, दिस इज फिलामेंट, ये फिलामेंट है, राइट। और यहां जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज एंथर, ये एंथर है, समझ गए, एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट, राइट। अब एंथर के अंदर देखोगे तो एंथर इज हैविंग टू लो, वन एंड टू दिख रहा है, यहाँ एक इधर एक इधर, इसमें भी देखो एंथर के अंदर टू लोब्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ जो चीजें हैं, वापस आते हैं, ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर दैट इज प्रेजेंट एट द टिप, दिस वन इज एंथर, समझना एकदम आसान है, ये एंथर और ये जो थ्रेड लाइक है, दिस वन इज फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसमें पॉलन कहाँ होगा, वेयर पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, पॉलन ग्रेन्स आर कंटेन्ड इन द एंथर विद इन द पॉलन सैक, आपको दिखाते हैं कैसा। अब देखो अगर इस एंथर को अगर आप सेक्शन काट के देखेंगे टीएस, तो आपको इसमें देखो, हम इसको मिटाते हैं इंक को, फिर बनाता हूं। देखो इसमें अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, यू विल फाइंड फोर चैम्बर्स, इसके अंदर आपको चार चैम्बर मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी चैम्बर के अंदर ये इसका सेल वॉल हो गया, ठीक है ना, सेल वॉल, और अंदर में आपको देखो इसमें पार्ट्स होता है, अगर एंथर में देखोगे ना, एंथर में तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है इसका सेल वॉल बाहर का लेयर, और दूसरा अंदर में जो टिश्यू है उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। अब सेल वॉल में देखिए, सेल वॉल में कई लेयर्स हैं, बाहर वाला लेयर जिसको हम लोग इपीडर्मिस बोलते हैं, ये तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा जान लो, इपीडर्मिस है, एक उसके बाद एक लेयर मिलेगा जिसको हम लोग एंडोथीसियम बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं, एक थर्ड लेयर है जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं, है ना, मिडिल लेयर, और ये एक और इनर मोस्ट लेयर है, आप इनर मोस्ट लेयर, ये इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो सारा लेयर बन जाएगा, एक दो, एक दो हो गया, ये हो गया तीन, एंड दिस वन इज द इनर मोस्ट, तो जो इनर मोस्ट वाला लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड टैपेटम, ये टैपेटम होगा, और इसके अंदर जो सेल्स मौजूद होंगे, दीज सेल्स आर स्पोरोजिनस, ये स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है, ग्रुप में है, टिश्यू कह सकते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, दीज स्पोरोजिनस सेल्स गोज अंडर मायोसिस, ये मायोसिस के अंदर जाएगा, सेल डिवीजन है जिसमें एक स्पोरोजिनस सेल जो कि डिप्लॉइड है, इससे चार, ठीक है, पॉलन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन का, समझ गए। तो ये प्रोसेस, ये आपको आगे क्लास में 12 में जाओगे तो बड़ा विस्तृत है, अभी मोटे तौर पे 10th लेवल पे इतना जानना काफी होगा, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू ये पॉलन बनाएगा, और पॉलन कहाँ है, इसी चैम्बर के अंदर इकट्ठा होगा, दैट इज पॉलन चैम्बर। तो एंथर के अंदर पॉलन चैम्बर में आपको पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे।
आगे देखो, ये तो हो गया इसका बात। अब बात करें गाइनेशियम का, एंड्रोशियम का बात तो समझ गया, पॉलिन का भी बताएंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थोड़ा रुको। गाइनेशियम में देख लीजिए, गाइनेशियम क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है देखो, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ देखो स्टिग्मा, उसके बाद मतलब स्टिग्मा ये वाला, फिर स्टाइल, एंड थर्ड वन इज द ओवरी, दिस वन इज ओवरी, ये ओवरी है। ठीक है, तो गाइनेशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट्स हो गए इसके। अब ओवरी के अंदर देखोगे तो यू विल फाइंड ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है, एम्ब्रियो सैक, और उसके अंदर मिलेगा एक सेल, दैट इज द फीमेल गैमेट। हम तुमको ओव्यूल बना के दिखाएंगे, देखो बात करते हैं ओव्यूल कैसा होगा, आप समझना। देखो ओव्यूल में देखिए, ओव्यूल कहाँ है, ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ये बड़ा करके देखोगे तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अंदर में आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक, इसके बाद एक लेयर और है, ड्रॉ कर रहा हूं मैं धीरे धीरे, ये हो गया दूसरा लेयर, इसके बाद इसका घेरा होता है कवर, एक लेयर, एक इधर से ही बना दो, दो, ये डबल लेयर का एंटेगमेंट बोलते हैं इसको, दिस वन इज द एंटेगमेंट, यही है ना, अब सबका नाम है। ये बाहर में जो है, दिस वन इज कॉल्ड आउटर एंटेगमेंट, इसको कहेंगे आउटर एंटेगमेंट, राइट। ये जो यहां इसके ठीक नीचे है, दैट इज कॉल्ड इनर एंटेगमेंट, ठीक है। ये जो लेयर देख रहे हो यहां से यहां तक, एक्चुअली ये सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेयर है, नॉट लेवल, लेयर, एंड दिस वन इज कॉल्ड न्यूसेलस, इसको न्यूसेलस कहते हैं। ये जो ओपनिंग दिख रहा है, दिस गैप, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। अंदर में जो दिस बैग देख रहे हो, दिस वन इज एम्ब्रियो सैक, इसी को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ध्यान देना क्या क्या है, तीन सेल यहाँ, दो सेंटर में न्यूक्लियस जो बाद में फ्यूज होगा, एक एग और दो सिनर्जिड्स। देखो यहाँ जो तीन सेल्स दिख रहे हैं इस साइड में, इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल या चैलेजल सेल, चैलेजल सेल्स बोलते हैं या एंटीपोडल ही बोल सकते हैं। ये जो यहाँ दो न्यूक्लियाई दिख रहा है, इसको आप कहिए पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ सेंटर में जो है, यहाँ दिस वन इज एग, ये एग है, और अगल बगल में जो सेल्स हैं आइदर साइड, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो जो पॉलन है, पॉलन के अंदर मेल न्यूक्लियस होगा जिसको इस एग के साथ फ्यूज करना है, ठीक है। यानी पॉलन कहाँ है, एग कहाँ है, यानी पॉलन के न्यूक्लियस को यहाँ इसके अंदर इस जगह पे आके फ्यूज करना होगा। ये सब कैसे होगा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ गए कि वेयर इज द पोजिशन ऑफ एग इन साइट पिस्टन और कार्पल, ठीक है। यही बता रहा था, ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ओव्यूल कैरीज विद इन इट एन एम्ब्रियो सैक व्हिच लाइज द एग सेल और द फीमेल गैमेट, राइट। तो ये आपने देख लिया कि एग कहाँ है और ओवरी कैसा है और ओव्यूल कहाँ है। अब ये जो ओव्यूल है उसका ये अटैचमेंट हुआ, इसके जरिए इट इज अटैच विद द वॉल ऑफ ओवरी, ये ओवरी के वॉल से इसी से जुड़ा होगा। इसका भी जुड़ने का तरीका है, पैटर्न है, अरेंजमेंट है, वो सब हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अटैचमेंट यहीं से होता है, राइट। तो अब आगे देखिए, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होना है, फिर फर्टिलाइजेशन होना है,
ये दो चीजें हो जाएंगी तो फिर सीड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस सीड से नए पौधे आएंगे, राइट। तो हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन का। व्हाट इज पॉलिनेशन? देखो सी द डायग्राम। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द कहां से कहां, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है बात इसमें, आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। मान लो डायग्राम में भी देखेंगे लेकिन एक अलग से थोड़ा देख लो, मान लो कि दिस वन इज अ स्टैमेन जिसमें पॉलन बना है एंड दिस वन इज द, ये मान लो स्टिग्मा है, तो पॉलन पहुंच गया स्टिग्मा पर, तो जब पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच गया तो हो गया पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। अब पॉलिनेशन में कई चीजें होती हैं, पॉलिनेशन के लिए एजेंट भी है। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से अगर होता है, या हवा के झोंके से तो कह ही दिया, तो ये चीज होगा। यानी जिस चीज के जरिए पॉलन ट्रांसफर हो रहा है, एक नया वर्ड है आपके लिए, नया क्या कहिए, सिंपल सा वर्ड है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट्स को हम लोग पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। अब पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट कौन हो गए, वो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर का टाइप कैसा है उस पर डिपेंड करता है। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड सीड। क्योंकि देखिए, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो पॉलन स्टिग्मा तक आएगा नहीं, पॉलन स्टिग्मा तक आएगा नहीं तो पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर उसका न्यूक्लियस एक तक नहीं पहुंचना है। तो पॉलिनेशन इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। एक बार पॉलिनेशन हो जाए सक्सेसफुली, देन इट इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, तब उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा आगे। अब देखो पॉलिनेशन दो तरह का होता है। एक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखें तो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सेल्फ, सेकेंड वन इज द क्रॉस। सेल्फ और क्रॉस का मतलब भी अभी हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। डायग्राम से आप समझो और डेफिनेशन के साथ भी देखो। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखो एक ही फूल है और उसी फूल में आपका, देखो अगर मान लो कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सपोज ऐसे आप समझो, इजी हो जाएगा समझना, बाइसेक्सुअल है यानी फ्लावर के अंदर आपका एंड्रोशियम, अपने लिखते हैं हम स्टैमेन लिखते हैं, स्टैमेन लिखें है ना, और इसके अंदर ही आपको पिस्टिल मिल रहा है या कार्पेल मिल रहा है, ठीक है। तो एक ही देखो स्टैमेन मिल रहा है, या देखना ध्यान से, स्टैमेन है और पिस्टिल है। लिसन व्हाट्सएप है, देखो मान लिया हमने कहा, फिर से शुरू करते हैं आप। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का पॉलिनेशन बताया, फर्स्ट वन इज द सेल्फ, सेकेंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा, क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल होना होगा। या अगर टेंथ लेवल पे देखें तो एक और चीज कह सकते हैं कि एक ही पौधे में मेल फ्लावर यानी फ्लावर विद स्टैमेन और फीमेल फ्लावर होना चाहिए, मींस फ्लावर विद पिस्टिल होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोगैमी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर
ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में होना क्या है, एक ही फूल का पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा पे जाए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसी फूल के स्टिग्मा पे नहीं जाता तो कम से कम उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाए। हालांकि आगे क्लास में देखोगे तो ये सेकंड वाला जो टाइप है जिसे फ्लावर चेंज हो रहा है एक ही प्लांट के अंदर, उसको जीटोनोगैमी बोलते हैं, वो बाद में देखना, बट 10th लेवल पे आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन में रख सकते हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन यू कैन सी हियर, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही जगह आप देख रहे हो, फ्लावर एक ही है और एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ जो पॉलन है ये पॉलन स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है या दूसरे फ्लावर पर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करेक्ट। अब बात करेंगे फायदा क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज देखें, इसके आगे कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों यहां कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देखो, सेल्फ पॉलिनेशन इज सर्टेन, देखिए सर्टेन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो होता ही होता है। फ्लावर को किसी दूसरे एजेंट पे डिपेंड नहीं करना है, फ्लावर्स नीड नॉट डिपेंड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और इसमें पॉलन का वेस्टेज भी नहीं होता, तो ये इसका एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज अगर देखें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि सीड्स इसके कम बनते हैं, इसका एंडोस्पर्म बताएंगे क्या होता है आगे के क्लास में, वो छोटा बनेगा तो कमजोर पौधा बनता है सीड से, बाद में वो मजबूत थोड़ा हो जाए बात अलग है, ये शुरुआत में पौधे वीक होते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, देखो नए वेराइटीज नहीं आएंगे, नया वेराइटी कब आता है, जब वेरिएशन होता है, ठीक है ना। अगर एक ही फ्लावर का एंथर, ये क्या बोलते हैं, मतलब पॉलन है और उसी फ्लावर का एग है, तो दोनों का तो जेनेटिक मेकअप एक ही है, तो वेरिएशन कहाँ से आएगा, तो नया वेरिएशन नहीं आ पाते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड रिजल्टिंग इन द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट, इससे धीरे धीरे पौधा वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, अच्छे वाले कैरेक्टर्स इसके लॉस्ट होने लगते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। बस आज के क्लास में इतना ही रखो, कल के क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन और उसके बाद उसके एजेंट्स और उसके फीचर्स, बाकी तमाम चीजें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।